का डायलिसिस चल रहा था, सप्ताह में दो बार चल रहा था, सप्ताह में एक बार हो गया और बंद हो गया। प्रमाण क्या है? प्रमाण रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब ये प्रोग्रेसिव डिजीज है और इसे कहा जाता है बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इस पेशेंट का क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, 0.61 आ चुका है, 0.6 की रेंज में आ गया, यानी कि नॉर्मल हो गया। अब ये रिपोर्ट दुनिया में किसी डॉक्टर को जाकर दिखा ले, क्रिएटिनिन 12.5 क्रिएटिनिन लेवल है इनका, 12.5 क्रिएटिनिन लेवल, डायलिसिस चलता है स्टेज पे जी। काफी सारे पेशेंट्स की मृत्यु दर जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हालात इतनी वो होती है कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, आपको ये प्रिकॉशन लेनी है, आपको वो प्रिकॉशन लेनी है, दुनिया भर की प्रिकॉशन लेनी, गलत एक बन जाएगा, दो बन जाएंगे, हजारों की संख्या में नहीं बन सकते, और अलग अलग लैब के अलग अलग नहीं बन सकते। हम सीधा पेशेंट को बोलते हैं आप हमारे यहाँ की लैब से तो कराना ही मत, मैं मानूंगा ही नहीं उसको। डायलिसिस एक ऐसा शब्द जो कि सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन जिस इंसान के घर में जिस इंसान की डायलिसिस चल रही होती है, सिर्फ वो और उसका परिवार ही जानता है कि आखिर उसके परिवार पर बीत क्या रही है। किडनी की तमाम दिक्कतों से आज आपको शायद इस इंटरव्यू में कुछ खास जानकारी मिलेगी कि क्या आपकी डायलिसिस रुक सकती है, क्या ट्रांसप्लांट कराने से बच सकते हैं। ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू होने वाला है उन लोगों के लिए भी जिनकी डायलिसिस चल रही है, और उन लोगों के लिए भी जिनके घर में कोई किडनी का पेशेंट है, या फिर अगर आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कर्मा आयुर्वेदा के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत। पुनीत जी आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डायलिसिस बहुत आज गंभीर बीमारी की तरह उभर रही है आजकल, मतलब हम ये मान सकते हैं कि अधिकतर लोगों में डायलिसिस जो है, जो किडनी से ग्रसित है, उनमें डायलिसिस देखने के लिए मिल जाती है, उन्हें डायलिसिस सजेस्ट की जाती है। तो कौन सी वो स्टेज आती है जहाँ पर एक पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाता है, किडनी पेशेंट को, कि अब आपको डायलिसिस करा लेनी चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डायलिसिस पहले है क्या ये समझना पड़ेगा, डायलिसिस शब्द का अर्थ क्या है, डायलिसिस की परिभाषा क्या है, डायलिसिस के कारण क्या अचीव कर रहे हैं, डायलिसिस का पर्पस क्या है। डायलिसिस जो है वो एक प्रकार के मेंटेनेंस का प्रोसीजर है, बॉडी को मेंटेन करने की प्रक्रिया है। किडनी खराब हुई तो किडनी का खराब होने के बाद हमें, हमारी किडनी सक्षम नहीं है तो एक प्रकार की प्रक्रिया करा के टेम्प्ररी बॉडी को मेंटेन किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है डायलिसिस। जिस प्रक्रिया में मेंटेनेंस तो होती है या नहीं होती वो एक प्रश्न चिन्ह है, वो एक विचारणीय है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है वो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगा। डायलिसिस जो होता है वो किडनी की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं होती मशीन, डायलिसिस की मशीन जो होती है वो किडनी की तरह नहीं होती। किडनी का काम है वेस्ट को बाहर करना, प्रोटीन को रोकना, डायलिसिस की मशीन वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर देती है। डायलिसिस एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है, डायलिसिस जो है वो रेगुलर जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। डायलिसिस कराने के साथ काफ़ी सारे पेशेंट्स की मृत्यु दर जुड़ी हुई है, डायलिसिस कराने के समय बहुत सारे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारे रिपोर्ट्स बताती हैं। तो ये डायलिसिस की आवश्यकता ना पड़े, इससे बड़ी और इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि अगर डायलिसिस की आवश्यकता ही ना पड़े, आपकी अपनी किडनी जो कम काम कर रही है उसका GFR बढ़ जाए, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए और वो काम करने लग जाए, इससे बढ़िया चीज़ और क्या संभव है। बिल्कुल, ज़्यादातर ये सुना जाता है कि डायलिसिस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपको जीवन भर कराना पड़ता है, क्या ऐसा सच में है कि डायलिसिस रुक सकती है? अगर कर्मा आयुर्वेदा में आया है, कहीं भी जाए, डायलिसिस रुक सकती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष मतलब ये हो चुका है। ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था, सप्ताह में दो बार चल रहा था, सप्ताह में एक बार हो गया और बंद हो गया, सप्ताह में तीन बार चल रहा था, सप्ताह में दो बार हो गया और वो बंद हो गया। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, कई सारे हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था और अब नहीं चल रहा।
ये प्रमाण आपके पास है? हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर कर्मा आयुर्वेदा के नाम से आप देख सकते हैं, पेशेंट्स की लाइन से आपको पता चलेगा किस प्रकार कितने पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था और अब वो बंद हो चुका, और सारी रिपोर्ट्स करा के रिपोर्ट्स के आधार पर बंद हुआ। एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बोला डायलिसिस की जरूरत नहीं है आपको, आपका क्रिएटिनिन कम हो चुका है, आपकी किडनी काम कर रही है, और हर जगह के, हर प्रांत के, हर प्रदेश के और हर देश के पेशेंट इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, जाके कर्मा आयुर्वेदा सर्च करेंगे, उसमें आपको नजर आएगा किस प्रकार से किडनी के पेशेंट्स ने डायलिसिस को मात दी, किस प्रकार से किडनी के पेशेंट्स ने डायलिसिस को हरा दिया। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो किडनी का पेशेंट है, अगर वो नहीं चाहता कि वो डायलिसिस पे जाए, तो उससे पहले उसको क्या क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए? देखिए, किडनी का पेशेंट अगर कोई है तो उसका क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाता है कि एलोपैथी में वो जाता है और वहाँ उसे कहा जाता है कि अब देखो जी, दवाइयों से कम होगा नहीं। दवाइयों में क्या होता है, डायूरेटिक होती है, यानी कि पेशाब लाने की दवाई होती है, और उसके अंदर दवाई होती है कैल्शियम को बढ़ाने की, आयरन को बढ़ाने की, इस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। इन दवाइयों से आपका अभी क्रिएटिनिन कम होगा नहीं, अब आप डायलिसिस करा लो। स्टार्टिंग में क्रिएटिनिन 2 होता है, पेशेंट लेके जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, 4-5 तक पहुँचता है। 4-5 आने के बाद उसको बोला जाता है कि अब दवाइयों से काम नहीं होगा, अब आप डायलिसिस कराओ। डायलिसिस आप कराना शुरू करते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि डायलिसिस लंबे समय तक मेंटेनेंस का है ना, तो लंबे समय तक कैसे होगी सिर्फ मेंटेनेंस, पॉसिबल नहीं है। तो आप डायलिसिस मत कराओ, अब आप ट्रांसप्लांट करा लो, अब आप ट्रांसप्लांट की तैयारी करो, आप डोनर किडनी ढूंढो, और आप साथ में एक बड़ी अमाउंट का प्रबंध करो और एक बड़ा सा हॉस्पिटल ढूंढो जहाँ पे ट्रांसप्लांट कराएंगे। ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ रह जाती है, 5 साल तक ट्रांसप्लांट एवरेज चलता है, कई बार बाहर आते आते ओटी से फेल हो जाता है, उसे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है, उसे ट्रांसप्लांट फेल नहीं कहा जाता। आप ओटी में हैं, ओटी से बाहर नहीं आए, ट्रांसप्लांट नहीं चला, तो वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज नॉट अ ट्रांसप्लांट फेल। टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं बहुत सारे लोग, और उस चक्कर में जो है आम आदमी जो है वो भ्रमित हो जाता है। आवश्यकता है कि प्रमाण देखें और प्रमाण के आधार पर डिसीजन लें, प्रमाण के आधार पर फैसला लें किस प्रकार कितने पेशेंट्स ने इस डायलिसिस से मुक्ति पाई है कर्मा आयुर्वेदा की औषधियों के बाद, कर्मा आयुर्वेदा में इलाज कराने के बाद, उस प्रमाण को देखें। प्रमाण क्या है? प्रमाण रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, रिपोर्ट्स दिखाइए, उस सारी जानकारी। ऐसी हजारों की संख्या में रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट मैं उनमें से अभी लाया हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से इन पेशेंट्स को आराम मिला, किस प्रकार से इनका डायलिसिस बंद हुआ। जी, शुरू करते हैं। भूपेन एंगती पेशेंट का नाम है, भूपेन एंगती, आप देख सकते हैं, ये है दीपू डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सेंटर, और ये पड़ता है आई थिंक एंगलोंग या साम या नॉर्थ ईस्ट की जगह लग रही है। 2.8 क्रिएटिनिन है, 61 यूरिया है पेशेंट का, 61 यूरिया है, 2.8 क्रिएटिनिन है। भूपेन एंगती, देख सकते हैं आप दोबारा से, दीपू डायग्नोस्टिक लैब, और ये दोबारा से वहीं की एंगलोंग जगह की है, और 0.61 हो गया। अब मैं चाहता हूँ आप एक रिपोर्ट पकड़िए जी, और साथ में दिखाइए कि इसमें कितना है क्रिएटिनिन। इसमें क्रिएटिनिन है 2.8, सामने दिखाएंगे। 2.8 का मतलब है किडनी जो है ना लगभग 60% काम नहीं कर रही, 60% नॉन फंक्शनल है जी। अब ये प्रोग्रेसिव डिजीज है और इसे कहा जाता है ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इस पेशेंट का क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, 0.61 आ चुका है, 0.6 की रेंज में आ गया, यानी कि नॉर्मल हो गया। अब ये रिपोर्ट दुनिया में किसी डॉक्टर को जाकर दिखा ले, किसी एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा ले, किसी बड़े से बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा ले, यूरोलॉजिस्ट को दिखा ले, या किसी भी डॉक्टर को दिखा ले, वो यही कहेगा डायलिसिस की जरूरत नहीं है, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, दवाई की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल, ये प्रमाण हो गया, इससे बड़ा प्रमाण विश्व में कोई नहीं दे सकता जिसके अंदर एक क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया रिपोर्ट के अंदर, और वो डॉक्टर किसी भी डॉक्टर के जाके सलाह ले ले कि अब ये क्या हुआ है मेरे साथ, कैसे हो गया ये, तो वो बता देगा कि अब आपकी किडनी जो है वो ठीक हो गई, क्योंकि आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, आपका GFR बढ़ चुका है। बिल्कुल। इसी प्रकार से एक पेशेंट और हैं, इनका नाम है मिस्टर चमन, ये विजया डायग्नोस्टिक लैब हैदराबाद का पेशेंट है, 30 ईयर्स इनकी एज है, ये 9-9 को आए थे हमारे पास, क्रिएटिनिन 12.5 क्रिएटिनिन लेवल है इनका, 12.5 क्रिएटिनिन लेवल, डायलिसिस चलता है स्टेज पे जी, और डायलिसिस कराते हैं तो वो क्रिएटिनिन कम हो जाता है, फिर वो थोड़े टाइम बाद 2-3 दिन बाद दोबारा बढ़ जाता है, फिर दोबारा डायलिसिस कराओ
फिर दोबारा कम हो जाता है और ये चलता रहता है चक्र 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 चक्र, जब तक कि पेशेंट की हालत ऐसी नहीं होती जो डायलिसिस करा ही ना पाए, क्योंकि वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। 12.5 विजया डायग्नोस्टिक लैब्स की, मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस रिपोर्ट को आप पकड़ लीजिए। उसके बाद दोबारा से इन्होंने टेस्ट कराया विजया डायग्नोस्टिक लैब से, और इसमें आप देख सकते हैं इनका क्रिएटिनिन आ चुका 5.5, यूरिया आ सकता आ चुका 59। इसमें कितना है एक बार बताएंगे? 5.5 और यूरिया, यूरिया यहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन मेंशन है 12.5 और इसके अंदर क्रिएटिनिन जो रिड्यूस होकर आ गया वो 5.5 आ गया। इस रिपोर्ट में इन्होंने यूरिया नहीं कराया लेकिन यूरिया इनका 59 आ गया दूसरी रिपोर्ट में। 12.5 का मतलब है डायलिसिस का प्रोटोकॉल है, पेशेंट डायलिसिस करा रहा है। 5.5 का अर्थ है कि डायलिसिस, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अब ये साइंटिफिक है ना, ये तो प्रोटोकॉल है ना कि इसमें इस पर इसमें आपकी किडनी इतना काम कर रही है आप डायलिसिस कराओगे, इसमें आपकी किडनी इतना काम कर रही है आप डायलिसिस नहीं कराओगे। अब अगली रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है? देखो जैसे बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर है, उसी प्रकार किडनी की फंक्शन को टेस्ट करने के लिए GFR है, DTP है। रीनल स्कैन DTP आप कराएंगे आपको पता चलेगा किडनी कितना काम कर रही है, पहले कितना कर रही है। बुखार पहले था 100, पैरासीटामोल गोली खाई, पैरासीटामोल खा के 97 हो गया, 98 हो गया, बुखार नॉर्मल हो गया। चेक कैसे करा हमने? थर्मामीटर से करा, खाया गया हमने, बुखार की दवाई खाई। किडनी को चेक कैसे करा? रीनल स्कैन DTP से करा, KFT से करा। खाया क्या हमने? मेडिसिन खाई। रिपीट हमने कैसे चेक करा? रीनल स्कैन DTP से करा, KFT से करा। प्रमाण हो गया, बिल्कुल साइंटिफिक हो गया। ये क्रिएटिनिन जो है इसमें आप देख सकते हैं 10.98 है, 10.98 बिफोर क्रिएटिनिन है इसमें, और इसमें यूरिया जो है वो 128.5 है। और ये टेस्ट जो है, पेशेंट का नाम है मिस्टर सतीश गोयल, ये डॉक्टर्स बैथ लैब की रिपोर्ट है और ये इन्होंने कराई है 10.9 क्रिएटिनिन था। ये आप एक बार होल्ड कर लीजिए। इसके बाद क्रिएटिनिन घट के हो गया 5.96, 10 से लेके क्रिएटिनिन 5 की रेंज में आ गया, आधा हो गया। ये एक मिरेकल भी है, एक बहुत बड़ा चेंज भी मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पेशेंट डायलिसिस रुक जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसके बीच में एक सवाल ये भी उठता है, कई बार कमेंट मैंने पढ़े हैं कि काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो गलत प्रमाण भी देते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि गलत प्रमाण भी बन जाते हैं आजकल? बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज़? देखिए प्रमाण गलत एक बन जाएगा, दो बन जाएंगे, हजारों की संख्या में नहीं बन सकते और अलग अलग लैब के अलग अलग नहीं बन सकते। हम सीधा पेशेंट को बोलते हैं आप हमारे यहाँ की लैब से तो कराना ही मत, मैं मानूंगा ही नहीं उसको। आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ से लैब से टेस्ट करा के लाओ और दोबारा वहीं से कराओ। जहाँ मैं आज तक गया नहीं, जहाँ मुझे पता ही नहीं, जहाँ मुझे कोई जानता नहीं लैब वाला, अब वहाँ से टेस्ट कराओ और वहीं से दोबारा करा के लाओ। अब यहाँ से क्यों करानी है? यहाँ से कराओ ही मत आप। तो प्रमाण जो है वो हो जाएगा हमारा कि आपकी जानकारी में टेस्ट हो रहा है, आपकी जानकारी में दोबारा टेस्ट हो रहा है। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं कोई भी सेम लैब की नहीं है और कोई भी सेम जगह की नहीं है, अलग प्रांतों की अलग प्रदेशों की रिपोर्ट्स हैं। कोई हमारे पास केरला से आ रहा है, कोई कन्याकुमारी से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पूरे इंडिया का पेशेंट, पूरा US का, मिडल ईस्ट का, सारे पेशेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सबकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ऐसी कोई कंट्री शायद नहीं होगी जहाँ पे हमारा पेशेंट इस समय ना हो और जहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट ना मिली हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे चैनल्स पे US के पेशेंट्स की भी रिपोर्ट है, US के पेशेंट की रिपोर्ट है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, उसकी वीडियो है। बिल्कुल ये कर्मा प्रमाण हो गया। जी जी बिल्कुल प्रमाण हो गया ना कि प्रमाण क्या है कि आपने जितना अलग जगहों की हमारे पास डाटा आ गया, जितना अलग जगहों की रिपोर्ट्स आ गई, विभिन्न विभिन्न जगहों की आ गई, वो एक प्रकार का प्रमाण है। ठीक है, ये बात, ये प्रमाण मैं आपका मानती हूँ। क्या हम उन पेशेंट से मिल सकते हैं जो आपके पास आते हैं मौजूदा किसी भी हालत में, जिनके डायलिसिस बंद हो चुके हो? बिल्कुल, क्या मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं आप, और आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल प्रमाण दिखाना है, एक और प्रमाण मिल जाएगा। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे, इस जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ अभी इनके साथ, इसी जगह पे कई सैकड़ों वीडियोज है कर्मा आयुर्वेदा YouTube चैनल पे, आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार से उनका बिफोर था, किस प्रकार से उनका आफ्टर हुआ, किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। और
एक पेशेंट से भी, कई पेशेंट से भी आपको मिलवाएंगे जब आप यहाँ पे आएंगे, तो आपको डेफिनेटली पेशेंट से भी मिलवाएंगे, अगली बार प्रत्यक्ष रूप से मिलवाएंगे। बिल्कुल, वो तो मिलना लाजमी सी बात है, क्योंकि व्यूअर्स को भी दिखाना है, उन्हें भी जानकारी देनी है। अब इसके साथ ही अगला सवाल मेरा ये है डायलिसिस को लेकर है, कि डायलिसिस के क्या तरीके भी होते हैं, टाइप्स ऑफ डायलिसिस? देखिए जनरली ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है और एक जो डायलिसिस नॉर्मल हम हीमोडायलिसिस कहते हैं वो होता है, बट हमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। जनरली हीमोडायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस एक प्रकार का हॉस्पिटल में जहाँ आप देखते हैं कि मशीन लगी हुई है डायलिसिस की और डायलिसिस हो रहा है, 4 घंटे हो रहे हैं, 5 घंटे हो रहे हैं, फिर दूसरा पेशेंट आ रहा है उसका हो रहा है, फिर तीसरा आ रहा है उसका हो रहा है, और वो रेगुलर स्लॉट्स बने हुए हैं वहाँ पे, वो हीमोडायलिसिस होता है और वो कॉमन डायलिसिस है। अच्छा, और बस आखिरी सवाल होगा, आजकल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, मतलब जो जो डायलिसिस चल रहा है उन्हें सीधे बोलते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्या ट्रांसप्लांट से किसी इंसान को रोका जा सकता है? ट्रांसप्लांट जो है वो मतलब अगर ट्रांसप्लांट को तो मैं ऑप्शन की श्रेणी में कम ही गिनता हूँ, उसका कारण ये कि ट्रांसप्लांट जो है वो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि ट्रांसप्लांट जो है वो कराने के बाद इस प्रकार से इम्यूनो सप्रेशेंट चलती है, टीबी की होने की संभावना रहती है, 6 महीने तक पेशेंट को बेड रेस्ट करना पड़ता है, हालात इतनी वो होती है कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, आपको ये प्रिकॉशन लेनी है, आपको वो प्रिकॉशन लेनी है, दुनिया भर की प्रिकॉशन लेनी है आपको। उसके बाद भी क्या होता है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद कितने पेशेंट कितने टाइम तक उस ट्रांसप्लांट को मेंटेन कर पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो ट्रांसप्लांट आप गिनते ही नहीं कि ट्रांसप्लांट होना ही नहीं चाहिए। ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है अगर आपकी अपनी किडनी काम कर पा रही है, किडनी हमने बाहर से लाए, डोनर किडनी लाए, डोनर किडनी को हमने एक पेशेंट की किडनी में डाल दिया, पहली वाली किडनी को कट कर दिया, उसको कह दिया ट्रांसप्लांट हो गया। लेकिन अगर आप अपनी किडनी ठीक नहीं कर पा रहे जो चल रही है जी, तो आपका रोल क्या है? सिर्फ बीपी की दवाई देना, सिर्फ बीपी को कंट्रोल करना, सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करना, तो वो तो जनरल मेडिसिन का डॉक्टर भी कर लेगा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट की आवश्यकता क्या है? आप बाहर से किडनी ला के उसमें लगा रहे हो और वो किडनी जो है उसके साथ साथ आप इम्यूनिटी को कम करे जाने ताकि वो किडनी रिजेक्ट ना हो। इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, 10 प्रकार की बीमारियां होने की और संभावना बन जाती है। तो ये तो पूरा विषय सर्कल हो गया। अच्छा, एक बारी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है फिर क्या करेंगे? फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं दोबारा ट्रांसप्लांट करा लो या दोबारा डायलिसिस करा लो। दोबारा डायलिसिस ज़्यादा एडवाइस करते हैं। तो ये तो आप क्रिएटिनिन बढ़ावे शुरू हुआ, डायलिसिस से शुरू हुए, फिर दोबारा ट्रांसप्लांट कराया, फिर दोबारा डायलिसिस पे आ गए, जहाँ से शुरू हुए वहीं पे आ गए। तो इस चक्र से बचना जरूरी है। और जब एक आपकी अपनी किडनी GFR बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसप्लांट तो कभी भी करा सकते हैं। बिल्कुल, अगर समय है, 2-3 महीने का समय है, बिफोर आफ्टर कराइए, चेंजेस नज़र आएंगे। ट्रांसप्लांट तो आज भी संभव है, कल भी संभव है, अगर ये इन पेशेंट्स को आ सकते हैं तो बाकी सबको भी आ सकते हैं चेंजेस। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीत, आपने इस खास जानकारी को हमें दिया, और डायलिसिस आखिर रुक सकती है कि नहीं इस बारे में जानकारी दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये पूरी जानकारी उन पेशेंट्स के लिए भी खास तौर पर थी जिनकी डायलिसिस अभी चल रही है, और खास तौर पर उनके लिए भी थी जो डायलिसिस पर जा सकते हैं, जिन्हें किसी भी तरीके की किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। आशा है कि आपको आपके जो भी सवाल थे उनके जवाब मिल चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि उसकी जानकारी आपको दोबारा से मिल सके। ऐसी ही और इंटरव्यूज़ के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।